संभल के चंदोसी में चेकिंग के दौरान 1,07,000 रुपए के बरामद। आचार संहिता लागू होते ही जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान बबराला के कॉपी किताबों के व्यापारी रविंद्र कुमार कॉपी किताब खरीदने के लिए चंदोसी आ रहे थे। संभल तिराहे पर जांच टीम ने गाड़ी रोकी और गाड़ी की चेकिंग की। गाड़ी चालक के पास 1,07,000 रुपए मिले। पुलिस ने कार चालक से पूछताछ की तो कार चालक ने बताया कि मैं बबराला में कॉपी किताबों का व्यापार करता हूं। मैं व्यापारी हूं, कॉपी किताबें खरीदने चंदोसी जा रहा हूं। मेरे पास GST आयकर विभाग के इनकम टैक्स का रिटर्न भी है, मगर जांच अधिकारी ने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा नाम रविंद्र कुमार है। कहां रुपए लेके जा रहे थे आप? मैं यहां पे चंदोसी में आ रहा था रुपए लेके बबराला से कॉपी किताबें खरीदने के लिए। तो यहां पे चेक पोस्ट पे किराया है, वहां पे मेरी गाड़ी रोकी और उन्होंने सारे पैसे ले लिए मेरे से। 1,07,000 रुपए थे टोटल और मैं GST भी भरता हूँ और इनकम टैक्स रिटर्न भी भरता हूँ। उसके बावजूद भी मुझे कल से मतलब उन्होंने मेंटली टॉर्चर भी बहुत ज़्यादा करा था, बट अभी तक मेरे को पैसे नहीं दे रहे, ना मेरी गाड़ी ही वापस कर रहे हैं। दोनों चीज़ में से मेरे को किसी भी चीज़ को मतलब वापस नहीं किया जा रहा कल से, और मेंटली हैरेसमेंट पुलिस वालों ने बहुत ज़्यादा करा मेरे साथ। तो पैसा आपसे लिया, उसका कोई रसीद वगैरह दिया आपको? ना, कोई रसीद नहीं दी मेरे को। उन्होंने जो फर्ज बनाई थी मेरे बारे में वो भी उल्टी बनाई थी उन्होंने, वो जो फर्ज बनाई थी। मैंने कहा मेरी संतुष्टि के लिए मेरे जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तो दिखाओ इसमें, बट उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी तरफ से वो जो फर्ज बनाई थी, बट मैंने कहा उनसे, मैंने कि सर ये चीज़ मेंशन नहीं करोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब अगर बदतमीजी करेगा पुलिस वालों के साथ, कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था मैं, बट उन्होंने कहा कि बदतमीजी करेगा तो हम और केस ठोक देंगे तेरे ऊपर, बदतमीजी का केस भी लगा देंगे। यही बात है, ये शासन की तरफ से एक टीम गठित की गई है SST स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विलांस टीम, तो उसकी चेकिंग चेक पोस्ट लगी हुई थी बैजोई चंदौसी मार्ग से संभल तिराहे से। उसी चेकिंग के दौरान एक गाड़ी बैजोई मार्ग से आती हुई दिखाई दी, उनकी 16 नंबर की गाड़ी थी वो नोएडा रजिस्ट्रेशन। उसको जो कार चालक चला रहा था उसकी चेकिंग जब की गई गाड़ी की, तो गाड़ी के डैशबोर्ड में 1,07,000 रुपये नकदी पाई गई। उसको आदर्श आचार संहिता लागू है क्योंकि, तो उसके नियम के तहत उससे पूछा गया कि इस नकदी का क्या जो है उसका उपयोग है, किस उपयोग के लिए ले जा रहा है, कहाँ से ला रहा है, कहाँ ले जा रहा है, तो वो उसको बता पाने में असफल रहा पूरी तरह से। तो बाकी गाड़ी के पेपर वगैरह भी जांचे गए थे जो पुलिस टीम थी उनके द्वारा, और वो भी पेपर भी किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर था। वो चालक को काफ़ी उससे सवाल जवाब करने के बाद भी कोई संतुष्ट जो है उत्तर नहीं मिला उसके तरफ से, तो उस रुपये को नियम के तहत आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाते हुए उसको जब्त की कार्रवाई की गई है। जैसे क्या नाम है सर आपका? मैं स्टेटिक सर्विलांस टीम का प्रभारी बनाया गया हूँ, मोहम्मद राशिद।